तेज रफ्तार कार से दूधवाला सड़क से नीचे फेंका, मारा गया लिब्रा टाइम्स न्यूज। एनआरआई कोस्टल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रविंद्र पाटिल ने साझा किया, हमने यह सत्यापित करने के लिए सर्वे के रक्त के नमूने लिए हैं कि क्या वह नशे में था। हम अब रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तेज रफ्तार कार से दूधवाला सड़क से नीचे फेंका, मारा गया। नवी मुंबई सीवुड्स के एनआरआई एस्टेट में रविवार की सुबह अपने एक्टिवा स्कूटर पर दूध पहुंचाकर घर लौट रहे 27 वर्षीय दूधवाले की पाम बीच रोड पर तेज रफ्तार हुंडई वेरना कार से कुचलकर मौत हो गई। घटना सुबह 6:45 बजे चाणक्य जंक्शन पर हुई। मृतक की पहचान करावे गांव सीवुड निवासी मनोज कुमार के रूप में हुई है, जो चाणक्य जंक्शन पर दाहिनी ओर मुड़ रहा था, जब तेज रफ्तार कार अक्षय सुरवे 25 द्वारा संचालित सीबीडी बेलापुर की ओर जा रही थी, कुमार के स्कूटर से टकरा गई। कुमार अपनी स्कूटी सहित सड़क से नीचे उतरकर झाड़ियों में जा गिरा, जबकि कार चालक सड़क के डिवाइडर से टकराकर बिजली का खंभा तोड़कर सड़क के विपरीत दिशा में जा गिरा। घटना की जानकारी मिलने के बाद हम मौके पर पहुंचे। एयरबैग फटने से चालक और उसका दोस्त बाल बाल बच गए। हालांकि प्रभाव के कारण कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। सहायक पुलिस निरीक्षक पवन भिंगर दिवे सीवुड्स ट्रैफिक यूनिट ने कहा, हादसे के बाद सुरवे कुमार को टैरना अस्पताल ले गए, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। एनआरआई कोस्टल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रविंद्र पाटिल ने साझा किया, हमने यह सत्यापित करने के लिए सुरवे के रक्त के नमूने लिए हैं कि क्या वह नशे में था। हम अब रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।